वंदे मातरम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो एक कॉमन सा टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी साइक्लोन आती है तो ये जो रूफ होता है घर का, ये पहले निकल जाता है। अगर थोड़ी सी भी हवा तेज होती है तो घर की ये जो रूफ होती है ये निकल जाती है। आप पूछोगे ऐसा कैसे निकलता है, तो चलिए पहले कुछ तस्वीरों को देखते हैं और बाद में इसके पीछे क्या साइंस है इसको भी समझते हैं। अब जैसे ये तस्वीर को देखो, यहाँ पर ये जो रूफ है ये बिल्कुल निकल चुकी है। और एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, चलिए अब ये तस्वीर को देखो, यहाँ पर भी ये जो रूफ है आप देख सकते हो ये पूरी तरह से हवा में है, ये पूरी तरह से निकल चुका है। लेकिन ये होता क्यों है, अब इसके पीछे जो साइंस है चलिए उसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो एयर होती है ये हमेशा ब्लो करेगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ब्लो करेगी। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को ब्लो करेगी, लेकिन ये जो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सन यहाँ पे है, यहाँ पर क्लाउड है, तो इसका मतलब ये जो प्लेस आप देख रहे हो ये थोड़ा सा कोल्ड प्लेस होगा और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये थोड़ा सा गर्म होगा। तो ये हो गया आपका कोल्ड प्लेस और ये जो प्लेस हो गया आपका हॉट प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी हवा है ये गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद हवा हमेशा ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एकदम टेम्परेचर बहुत ही कम है, ये बिल्कुल कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर रीजन बन गया ये और ये रीजन बन गया आपका लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन को हवा हमेशा ब्लो करेगी। इसके पीछे और एक रीजन भी है, चलो उसको समझते हैं। अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक घर है, ये एक घर है और ऐसे हवा फ्लो कर रही है। तो आप देख सकते हो ऊपर का जो एरिया है ये बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पर जो एयर की स्पीड होगी ऊपर वो बिल्कुल ही हाई होगी, ठीक है। और नीचे का जो एरिया है ये एयर इस घर से टकराएगी, तो जिसके चलते नीचे एयर की जो स्पीड होगी ये लो हो जाएगी। बात समझ में आई, तो इससे क्या होगा, ऊपर देखो एयर की जो स्पीड है ये हाई है, तो जिसके चलते ऊपर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट होगा। नीचे जो एयर की स्पीड है ये लो है, तो इसका मतलब नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऊपर आपका क्रिएट हो गया लो प्रेशर एंड नीचे क्रिएट हो गया आपका हाई प्रेशर। तो एयर जो होती है बच्चों, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। तो इसके सामने जो भी कुछ आएगा ये उसको निकाल देगा, ये उसको उड़ा के ले जाएगा। तो अभी आप सामने साफ देख सकते हो, यहाँ पर हमारा नीचे घर के नीचे क्रिएट हो गया हाई प्रेशर, ऊपर क्रिएट हो गया लो प्रेशर। तो एयर जो है ये ऐसे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करेगी, तो जिसके चलते क्या होगा, सामने हवा के सामने ये जो आपका रूफ है ये निकल जाएगा, इससे बाहर ही निकल जाएगा और ये उड़ जाएगा। तो ऐसे ही जब भी साइक्लोन आता है तो ये अपने साथ घर की छत को उड़ा के ले जाता है। तो ये है इसके पीछे का साइंस, समझ में आया।